ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को वाई के इक्वल मान लेंगे, 4√x-2, ऐसा ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो आप इंडिविजुअल टर्म का डिफरेंशिएशन अलग अलग करेंगे, 4√x का अलग और 2 का अलग। 4 बाहर लिख लेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर 1/2, है ना। रूट का मतलब क्या, 1/2 माइनस डी ओवर डी एक्स क्या चल रहा है, 2। अब इसका डिफरेंशिएशन करा देंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 4 एक्स की पावर n, n आगे और एक्स की पावर n-1, n आगे एक्स की पावर n-1, और डिफरेंशिएशन ऑफ 2, 2 तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे, इस 2 से ये 2 कैंस, ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, और यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स की पावर -1/2। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे, 2 ये नीचे जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, या फाइनल आंसर हमारा 2/√x आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे किया, बिल्कुल आसानी से कर दिया, 4√x चल रहा था, 4 को बाहर लिखा, रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर 1/2, इसको ऐसे ही लिख दिया, एक्स की पावर n, n आगे एक्स की पावर n-1, 2 का डिफरेंशिएशन कितना, 0। ठीक है, अच्छा 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा, इस 2 से ये 4 2 टाइम कैंसिल हो गया, 2 बचा, तो यहाँ पर एक्स की पावर -1/2 को जब हम नीचे लेके जाएंगे तो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन को वाई के इक्वल लिख लिया, ax+b की पावर n, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करा देता हूँ, डी ओवर डी एक्स ऑफ ax+b पावर n। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया तो यहाँ फिर से फॉर्मूला किसका लगेगा, एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगेगा। एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n एक्स की पावर क्या, n-1, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स पावर n क्या होता है, n एक्स पावर n-1, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है, हमने फॉर्मूला किसके लिए पढ़ा है, एक्स के लिए पढ़ा है, लेकिन यहाँ तो एक्स की जगह कुछ और ही लिखा हुआ था। ठीक है, लेकिन तो हमने क्या किया, इसे एक्स की तरह ट्रीट कर लिया, एक्स की पावर n, एक्स की पावर n क्या होगा, n आगे और एक्स की पावर क्या आ जाएगा, n-1, जो एक्स की जगह ट्रीट किया गया था उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करा देंगे, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। ठीक है, फिर से हमने फॉर्मूला किसका पढ़ा है, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, तो ax+b की पावर n का हम कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, इसको एक्स की तरह ट्रीट कर लेंगे, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना, एन आगे और एक्स की पावर n-1। ठीक है, जो एक्स की तरह माना गया था उसे दोबारा डिफरेंशिएशन कराना। ठीक है, तो कैसे कराएंगे, n, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a बाहर, x का डिफरेंशिएशन कितना 1 और b का डिफरेंशिएशन कितना 0। ठीक है, तो ये आगे आ जाएगा, a यहाँ a बचेगा, a आगे, तो n a और ax+b की पावर n-1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से एक बार दिखाता हूँ कैसे किया इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन ऐसा आया। ठीक है, मुझे फॉर्मूला पता था एक्स की पावर एन का, लेकिन यहाँ तो एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी लिखा है, तो कोई बात नहीं, हम ए एक्स प्लस बी को थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, एक्स की तरह ट्रीट कर लेते हैं। तो ये माना हमने एक्स, एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर n-1, जो एक्स की जगह माना था मैंने उसका डिफरेंशिएशन दोबारा होगा। ठीक है, और वो मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, a, b का 0, तो सॉल्व होकर कितना आया, a
इस ए को मैंने आगे लिख दिया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। इसी कंसेप्ट पर एक और क्वेश्चन देखिए आप। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया, इसको y के इक्वल मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये मेरे लिए फर्स्ट होगा और ये सेकंड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ मैं, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, फर्स्ट का, ठीक है। देखें ध्यान से, फर्स्ट इसको तो एज इट लिखना है, इसका तो डिफरेंशिएशन नहीं कराना, इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे? तो आंसर है फिर से वैसे ही चेन रूल को लगाएंगे। हमने x की पावर m का फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, तो जो x की जगह आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन दोबारा कर देंगे, एंड दिस इज कॉल्ड चेन रूल। तो क्या करना है, पावर आगे m आगे आ जाएगा और इसमें से एक कम हो जाएगा। ये अंदर जो ब्रैकेट के लिखा गया है ये x की तरह ट्रीट किया गया है यहाँ पर, तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से होगा। ठीक है, ये बात आई आपको समझ में, जो x की तरह ट्रीट किया गया था है ना, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ उसका डिफरेंशिएशन फिर से करा दिया, प्लस सी एक्स प्लस डी की पावर m, ऐसे ही ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन अब कैसे होगा आप समझ गए होंगे, ठीक है, पावर आगे एक्स प्लस डी की पावर n माइनस वन, और जो x की जगह ट्रीट किया गया है उसको फिर से डिफरेंशिएशन, ठीक है। और ये जो दोबारा से आप डिफरेंशिएशन कराते हो ये मल्टीप्लाई में होते हैं यहाँ पर, ठीक है, ओके। करेंगे आगे, देखिए कैसे करेंगे, ए एक्स प्लस बी पावर n, ये वाला m चल रहा है आगे, और सी एक्स प्लस डी पावर क्या चल रही है, m माइनस वन, इसका दोबारा कराया गया था, तो यहाँ से सॉल्व होकर क्या आएगा, सी एक्स में से c बाहर, x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, वन, और d का डिफरेंशिएशन कितना होगा, जीरो। ठीक है, आगे देखते हैं, सी एक्स प्लस डी पावर m n, ऐसे ही ठीक है, ए एक्स प्लस बी पावर n माइनस वन, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो a बाहर, x का डिफरेंशिएशन वन, b का डिफरेंशिएशन जीरो, क्योंकि कांस्टेंट है, ये आ गया। अब फाइनली m आगे लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने m आगे लिख लिया, यहाँ से क्या आएगा, c, तो मैंने चलो c लिख लिया यहाँ पर, और क्या चल रहा है, ए एक्स प्लस बी की पावर n चल रहा है, और क्या है, सी एक्स प्लस डी की पावर m माइनस वन, ऐसा चल रहा है, प्लस यहाँ पर क्या क्या है, n है, n लिख लिया, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, a, और क्या चल रहा है, सी एक्स प्लस डी की पावर m, और क्या लिखना है हमें, ए एक्स प्लस बी पावर n माइनस वन, वैसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है, लेकिन अगर आप चाहो तो कुछ कॉमन लेकर लिख सकते हो। क्या कॉमन आ सकता है यहाँ से, तो यहाँ से कॉमन आ सकता है ए एक्स प्लस बी की पावर n एंड सी एक्स प्लस डी की पावर m, ये कॉमन आ सकता है। कैसे, ए एक्स प्लस बी की पावर n कॉमन चला गया, सी एक्स प्लस डी की पावर m कॉमन चला गया, तो क्या क्या बचा, एक तो सी एम बच गया और सी एक्स प्लस डी की पावर माइनस वन बच गया। ठीक है, ये बात आई आपको समझ में, ये यहाँ पर आ गया, इसमें से m तो बाहर आ गया, क्या रह गई पावर, माइनस वन, और सी एम रह गया अंदर, प्लस इसमें से ए एन, सी एक्स प्लस डी की पावर m तो कॉमन चला गया, ठीक है, ए एक्स प्लस बी की पावर n कॉमन आ गया, तो क्या बचा होगा, ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस वन, ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक है,
तो आप इसको यहीं पर छोड़ देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेन इसमें जो समझने वाली बात है वो केवल यही है कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको एक्स की तरह ही ट्रीट करते हैं, पावर आगे आ जाएगी एक्स की पावर एम माइनस वन, लेकिन जो एक्स की जगह माना गया है उसका डिफरेंशिएशन फिर से सेम कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। ठीक है, इसको सिंपल करते जाओ, प्लस माइनस का ध्यान रखो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और आपको आसान वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन जब आएगा वाई के इक्वल मान लेना है, ठीक है, वाई के इक्वल मान लिया, अब इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कराना है, तो डिफरेंशिएशन कराने के लिए साइन एक्स प्लस ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, कॉस ए और साइन बी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ठीक है, साइन एक्स प्लस ए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला हुआ करता है हमारे पास। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करा देते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका, साइन एक्स कॉस ए प्लस डी ओवर डी एक्स किसका, कॉस एक्स साइन ए। ठीक है, इक्वल्स टू कॉस ए, ए क्या है यहाँ, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर लिख लेंगे, कॉस ए बाहर, अंदर क्या रह जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पर साइन ए कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेंगे, साइन ए कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ए कांस्टेंट है। ठीक है, ये आ जाएगा, तो यहाँ ये कांस्टेंट था इसको बाहर लिख लिया, यहाँ ये कांस्टेंट था इसको बाहर लिख लिया। ओके, कॉस ए ऐसे ही, ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, प्लस साइन ए ऐसे ही, ठीक है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, कॉस ए कॉस एक्स, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, साइन ए साइन एक्स, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस एक्स प्लस ए का, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे किया, साइन ए प्लस बी ये लिखा जा सकता है, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट टर्म बाहर, कांस्टेंट टर्म बाहर, साइन एक्स को कॉस एक्स, कॉस एक्स को माइनस साइन एक्स लिख दिया डिफरेंशिएशन करा के। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका, कॉस एक्स प्लस ए का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी अगर चाहूँ तो क्या लगा सकता था, चेन रूल लगा सकता था, लेकिन चेन रूल मैंने इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि एनसीईआरटी में चेन रूल के बारे में बात नहीं की गई है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर मुझे चेन रूल लगाना ही पड़ेगा तभी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने यहां पर चेन रूल को यूज कर लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, वाई के इक्वल मान लिया, क्या है हमारे पास, कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाय डी एक्स, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ठीक है, प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ओके, नाउ कोसेक एक्स ऐसे ही, ठीक है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद है आपको, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस कॉट एक्स, कॉट एक्स ऐसे ही, ठीक है, यहाँ पर कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन याद है, माइनस का क्या होता है, कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये हुआ करता है,
तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, माइनस यहाँ लिख लिया कोसेक एक्स, और ये मिलकर कितना हो जाएगा कोसेक क्यूब एक्स, ये माइनस कोसेक एक्स और कॉट एक्स, और कॉट एक्स मिलकर कितना कॉट स्क्वायर एक्स। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से माइनस का कोसेक एक्स आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स और प्लस में क्या कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्या बच जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स। कैसे किया, इस तरह का क्वेश्चन आया, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये एज इट इज लिखा। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉट एक्स ऐसे ही लिखा, कोसेक एक्स का कितना होता है, माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। माइनस ऐसे लिख लिया, ये कॉस क्यूब एक्स हो गया, माइनस प्लस माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स और कॉट एक्स मिलकर कॉट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यहाँ से माइनस कोसेक एक्स कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन नंबर 15।